मैं उदय राजपूत प्रगति मीडिया न्यूज़ से आपका स्वागत करता हूँ। देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू का आदेश दिया था, उसी पे सब देशवासियों ने उस पालन का अच्छी तरीके से स्वागत किया। तो अब शाम का टाइम सब लोग सरकारी कर्मचारियों का स्वागत कर रहे हैं, कोई तालियां बजाकर, कोई थाली बजाकर, कोई शंख बजाकर। तो हम आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं और लोगों के उत्साह, लोगों का उत्सुक क्या है इस बात को लेकर। लोग जमा होकर किस तरीके से पीएम के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, आइए हम आपको लोगों से बात कराते हैं कि लोगों ने जो आज पूरे दिन घर पे रह रहे हो, घर से बाहर निकला नहीं मिला, तो लोगों के प्रति क्या क्या व्यक्त है आप बता सकते हैं सर? हाँ, जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये जो कोरोना महामारी जो है ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है और इसका ज़्यादा फैलाव न हो, ये जो है कि ये संक्रमण है एक से दूसरे आदमी को ये जो फैलाव करता है, हम देख रहे हैं टीवी पे, न्यूज़ पे जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसके जो बढ़ते मामले जो है वो हमारे देश में ना बढ़े और कम्युनिटी स्प्रेड जो आज तक अपने देखा तो पूरे वर्ल्ड में जैसे ये संख्या बढ़े लेकिन भारत में बहुत से कंट्रोल हुआ है। वो जो है कि वो हमारे जो प्रधानमंत्री जो है माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो है उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया और जो 22 मार्च जो है 22 मार्च ऐसे ही ये रविवार है और हम बिना वजह से जो बाहर घूमने जाते हैं और वो बाहर घूमने के वजह से जो एक से दूसरे आदमी के बीच जो संक्रमण होता है वो होना नहीं चाहिए, इसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएटिव लिया था वो उसका पालन हमने खुद किया, लोगों ने खुद होके इसका पालन किया है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं थी और ना ही पुलिस की कुछ ज़रूरत पड़ी। कुछ लोगों ने जो है कि लोगों को भी मालूम है कि अगर हम घर में रहे तो ये कोरोना वायरस हमको छू नहीं सकेगा और हमको नहीं छूएगा तो हमारे परिवार को भी नहीं छूएगा, हमारे गली मोहल्ले को नहीं छूएगा और पूरे जो देश में जो है कि इसका फैलाव कम होगा। ये जो है कि ये यूनिवर्सिटी और इसके आगे भी अगर हमारे प्रधानमंत्री की कोई जरूरत कदम जो है कि अगर और कुछ दिन घर में बैठने का अगर फैसला लेते हैं तो उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और पूरा देश जो है कि पूरे देश की जनता जो है ये हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी है उनके हर फैसले के साथ है और डट के साथ है। और आज जो है जो इतनी बड़ी महामारी है उस महामारी में जो हमारे सरकारी कर्मचारी वो अपनी जान जोखिम में डाल के जो हमारे लिए यानी जो पब्लिक है उनके सेफ्टी के लिए जो कई सब वो सेवाएँ दे रहे और उनके वजह से ये जो है ये स्प्रेड बहुत कम हो रहा है, उनकी हर सेवा के लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनकी जो सेवा है ये हमारे कोरोना के महायोद्धा है, महायोद्धा का हम हमारे जो सभी लोग जो है वो स्वागत करते हैं और तहे दिल से उनका सब स्वागत करते हैं। और फिर एक बार हम पूरे देश में एक मिसाल कायम करेंगे कि हमारे वजह से किसी को कोरोना संक्रमण ना हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। जे आपल्या पंतप्रधानांनी जे आपल्याला सुचवलं सभा कोरोना व्हायला तो आलेला हे जे परकीय लोक जे आपल्या देशामध्ये येतात ते त्यांच्यापासून हा रोग फैललेला आहे, तर याच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी आपल्याला जे कर्फ्यू लावला गेलेला आहे तर याचं पालन आपलं करणं कर्तव्य आहे, कारण हा एकदम भयानक रोग आहे। हा 10 फुटापासून ते 5-6 फुटापर्यंत जरी आपल्याला स्पर्श झाला तरी ही बिमारी आपल्याला जळू शकते, तरी आपण याचा जे पंतप्रधानांनी आपल्याला जे सांगितलं कर्फ्यू लावलेलं आहे ते याचं स्वागत करावं आपण आणि बस एवढं बोलून मी माझी भाषा। आप देख सकते हैं लोगों ने भी पंतप्रधान के फैसलों को कितने अच्छे से अपनाया, पालन किया और लोगों ने सब देश साथ में लड़कर इस बीमारी से लड़ेंगे ऐसा आह्वान किया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप कितने लोग जमा है और किस तरीके से सब स्वागत कर रहे हैं।